हे गाइस, प्रिंस है। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम GTA 4 के कुछ ऐसे ईस्टर एग्स के बारे में बात करेंगे जो कि शायद ही आपने पहले कभी सुने हो। वैसे तो ये ईस्टर एग बहुत ही ज्यादा रेयर हैं और आपने शायद ही कभी खुद से इन्हें ढूंढा होगा, लेकिन आज जब मैंने इन्हें देखा मैं खुद भी शॉक रह गया। वीडियो पूरी बहुत ही ज्यादा फनी बनी क्योंकि बहुत सारी ट्राई मैंने किया इस वीडियो में, फिर भी मैं काफी मुश्किल से ही पहुंच पाया। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना क्योंकि वीडियो बहुत फनी है। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा ईस्टर एग इस स्टैचू ऑफ हैप्पीनेस या फिर स्टैचू ऑफ लिबर्टी के ऊपर बेस्ड है, जिसमें बहुत से लोगों ने कहा इसके अंदर कुछ इस टाइप का एक आपको हार्ट देखने को मिलेगा जो कि बीट भी करता है, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। तो आज हम इसी को टेस्ट करने वाले। तो इस पर जब मैं अपना हेलीकॉप्टर लेके पहुंचा तो मेरा हेलीकॉप्टर बहुत बड़ा था इस पर लैंड करने के लिए, तो इस पर लैंड करने की जगह नहीं थी और मेरे साथ कुछ ये हुआ। सेकेंड ट्राई में भी कुछ यही हुआ। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा। और जब मैंने इस पर थर्ड ट्राई की तो फाइनली मैं इस पर पहुंचा तो सही, मजा आया, लेकिन कुछ टाइम बाद ही ये हुआ। फाइनली फोर्थ ट्राई में भी मैं नहीं पहुंचा। खत्म। फिर फिफ्थ ट्राई मैंने आखिरी दी, उसमें भी मैं नहीं पहुंचा। फिर सिक्स, सेवन्थ, एट्थ एंड लास्ट फाइनली मैंने एक NPC का हेलीकॉप्टर लेके ट्राई किया तो फिर ये हुआ। गजब बेइज्जती है। फिर फाइनली मैं इस 12 ट्राई के बाद पहुंचा गाइस, जो कि बहुत ही बड़ी बात थी, पर मैं पहुंच गया। यहाँ पर मुझे कुछ इस टाइप का गेट देखने को मिला, ऊपर सीढ़ियाँ थी। मैं जब ऊपर गया तो मैंने यहाँ पर देखा कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी पूरी अंदर से खोखली थी, हॉलो थी। और जब मैंने इसके अंदर देखा तो मैं एकदम शॉक रह गया, यहाँ पर सच में एक हार्ट। तो मैंने इस पर कुछ चीज़ें ट्राई की जैसे कि शूटिंग करना, मैंने इस पर गन चलाई पर ये बिल्कुल भी मूव नहीं हुआ, एकदम फिक्स्ड था। फिर मैंने इस पर अपने रॉकेट लॉन्चर से थोड़ा सा ट्राई किया कि इसको उड़ाऊं, लेकिन जब मैंने इस पर रॉकेट लॉन्चर ट्राई किया तो रॉकेट सीधे ऊपर निकल गया। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा।